a great event and great initiative by Gujarat Tourism and Incredible India and the Ministry of Tourism India. Hello ji, hello, namaste and a welcome or welcome back to my channel guys. I am back with yet another new video and I'm in a new state. Yes, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं गोवा से डायरेक्टली जा रही हूँ गुजरात and I am here with Gujarat Tourism, Incredible India, Ministry of Tourism कर रही हूँ and this is super huge, exciting at the same time. मेरे लिए काफी बड़ी बात है क्योंकि yes, being a traveler, I always thought that मैं tourism के साथ कभी collab करूँ, उनके साथ कभी काम करूँ, तो this is golden opportunity for me. और हम अहमदाबाद आए हैं आज और कल हम अहमदाबाद से निकलेंगे आगे की जर्नी के लिए. ये पूरी एंटायर 6-7 दिन का ट्रिप है तो इट्स गोइंग टू बी क्रेजी. आपको हर दिन नया व्लॉग देखने को मिलेंगे, हर दिन का मैं अलग अलग शूट करूंगी. बट आज जो पहला दिन है अहमदाबाद में, हम आए, हमने लंच किया एंड थोड़ा सा रेस्ट किया. और दिस इज माई रूम, आई शो यू लेटर. अभी काफी मेस कर दिया मैंने क्योंकि मैं रेडी हो गई हूँ. हम जा रहे हैं इनॉग्रल फंक्शन के लिए. हाँ जी, उसका इनॉग्रल सेरेमनी है. हम इंडिया से बहुत सारे ब्लॉगर्स आए हुए हैं तो उसका इनॉग्रल सेरेमनी है जिसके लिए हम जा रहे हैं होटल में. तो आई एम ऑलरेडी थोड़ा सा सेमी फॉर्मल काइंड ऑफ आउटफिट. दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग, अ ब्लू जी डेनिम एंड अ वाइट शर्ट, सिंपल सोबर एंड अ फ्लैट, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे फ्लैट्स में ही काफी कंफर्टेबल लगता है. रेट की है ताकि थोड़ा ठीक लग जाए यार. और हाँ, लेट्स गो. તો મને વાઇલ્ડ લાઈફનો શોખ છે તો ગીર મને વિઝિટ કરવું છે. Now you can watch the video of the making of Statue of Unity. Over to you. 31 अक्टूबर 2013 वो दिन जब विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का निर्माण होने जा रहा था. Brilliant, splendid, mesmerizing. Moments later. Oh my God, comfy PJs पहन के इतना अच्छा लग रहा है कि I can't even tell you. Like I'm feeling most comfortable right now. अभी कुछ नहीं, चेंज वेंज कर लिया, बस सीधा सो जाऊंगी क्योंकि आज मैं जो सुबह 5 बजे से उठी हूँ, आई मीन कल रात को भी मेरी नींद बिल्कुल भी नहीं हुई थी क्योंकि कल रात को काफ़ी नींद मेरी बार बार टूट टूट के मेरी नींद हुई क्योंकि मुझे सुबह 5:30 बजे निकलना था एयरपोर्ट के लिए, तो मेरी नींद हुई नहीं अच्छे से. तो अभी मैं सिर्फ 10:30 बजे पर फिर भी मैं सीधा सो जाऊँगी क्योंकि कल सुबह भी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है. लाइक 8 बजे वी हैव टू लीव, लाइक सारा पैक वैक करके होटल से रन के लिए, कच्छ के लिए. यस, कल का दिन काफ़ी एक्साइटिंग होने वाला है. अभी एनर्जी थोड़ी लो है, कल पूरे चार्ज्ड अप हो जाएंगे हम सुबह उठते ही साथ, होपफुली. यप, सी यू टुमारो. द नेक्स्ट डे. मीट साहिल. हेलो साहिल, कौशिक, अन्ना भी मान. लोग ना वेट करते हैं कि मेरे ब्लॉग में साहिल कब आएगा. हाँ सीरियसली, पीपल डू कॉमेंट की ब्लॉग में आए थे, बहुत अच्छे लगे. Okay guys, so we are done with the breakfast.
अब क्विकली रूम में जाके सामान सारा लेकर आना है। सो क्विकली मैं जल्दी जल्दी से सारा सामान जो है थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट एक बैग पैक है, कुछ कुछ सामान है, ये मेरा स्ट्रेटनर और ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं इसे पसारा कर दिया है, तो ये तो रहने आयन जो है वो मेरी नहीं है। हाँ, ये सब पैक करना है इतना सामान एंड देन विल लीव। 2000 years later. Hey everybody, a very good morning from Ahmedabad. और आज हम निकल रहे हैं कहाँ के लिए सर? धोड़ो के लिए निकल रहे हैं एंड ये है जमीर जो कि हमारे ग्रुप लीडर हैं। सो यस, हम सारे लोग यहाँ पर रेडी, आप देखेंगे पीछे बस खड़ी हुई है एंड सर ने कहा कि मुझे ज़्यादा बोलने के लिए मत बोलना, तो वी आर नॉट डिस्टर्बिंग हिम, बट यस लेट्स गो। एंड आपको सारे हमारे ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराती हूँ इन अ वाइल। लेट्स गो। सबकी रिक्वेस्ट पे प्रेजेंटिंग मिस्टर साहिल। सो आई एम बैक ऑन अनदर ट्रिप विद हिमानी एंड दिस टाइम वी आर एक्सप्लोरिंग गुजुलैंड। गुजुलैंड, तो हमारी गुजुलैंड में आपका स्वागत, तमारू स्वागत छे। ओजी गुजु, तमारू स्वागत, तमारू स्वागत छे। एंड धारा ने क्या बोला था आपनो? एंड अर्णव, हाय। हाय, आई एम प्रांजल फ्रॉम मुंबई। हाय, सुकन्या फ्रॉम मुंबई। अनुप गंदे। ओके, यू आर फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पुणे। I'm Suman Bajpayee from Delhi. Okay, so we all are ready to roll and are you guys excited? Yeah. Super. Super excited. Jaikara Shero Walida. Bol Saache Darbar Ki Jai. कोई भी महंगे से महंगा टी कैप ले लो, नई की ले लो, कुछ भी ले लो। मैं अपना कैमरा लेके आती हूँ। ओके, तो हम अभी यहाँ पर पिट स्टॉप, वी स्टॉप फॉर पी ब्रेक एंड साथ में हमने एक रील भी शूट करी है। एवरीबॉडी इज सुपर पम्प्ड, 2 घंटे ही हुए दो हमें। एंड या हम जहाँ जाते हैं वहाँ पे पेपराज़ी आ जाते हैं। ये वी स्टॉप अगेन नाउ फॉर लंच, इट्स आई थिंक 1:30 द आफ्टरनून एंड हम अभी कहाँ पर हैं यार एग्जैक्ट? भैया ये कहाँ पहुँचे हैं हम अभी? मालिया। ओके, हम अभी मालिया पहुँचे एंड देयर इज अ ह्यूज ढाबा, यू कैन सी एवरी आउटलेट ओवर हियर लाइक डोमिनोज, कैफे कॉफी डे, सबवे, एवरीथिंग इज हियर। सो वी आर गोइंग टू ग्रैब सम लंच हियर एंड देन वी लिव अहेड। लंच इज हियर। हेलो एवरीबॉडी, सो हाईवे पे ही हम एक जगह पर रुके हुए हैं टू हैव सम लंच और लंच हमारा हो गया है, प्रॉपर थाली वाला खाना खाया है हमने एंड आई एम सुपर फुल राइट नाउ। और हमें बस की जर्नी का नहीं, यहाँ से हमारे 4 घंटे की जर्नी रह जाती है और रास्ते काफ़ी कुछ ऐसे है नहीं नज़ारे आपको दिखाने वाले क्योंकि इट्स अ बेसिक हाईवे। तो यस, हियर एंड देयर आई एम शूटिंग एंड बस में काफ़ी हम हंगामे कर रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वाली बातें कर रहे हैं। तो यप, एवरीथिंग इज़ गोइंग ग्रेट। अभी यहाँ पर एक ग्रुप पिक्चर होनी है तो उसके लिए सबको इकट्ठा कर रहे हैं एंड आप देखोगे कितनी मशक्कत लगती है जब सारे इन्फ्लुएंसर्स वो सब अपनी अपनी पिक्चर वीडियो में लगे रहते हैं तो एक साथ सबको इकट्ठा करना कितना मुश्किल होता है। लेट मी शो यू, चलो खड़े हैं। इसको भी रख दो यार, कोई रख रहे हैं तो सब इसको भी सामने रख दो। ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है। ओके, 1 2 3 गो। तो
तो देखा आपने एक पिक्चर के लिए कितनी ज्यादा सद्दो सहत लगती है, कितनी मेहनत लगती है व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर टुगेदर. लाइक या दिस हैपेंड, कैमरा प्लेस करना है, किसी को कुछ करना है, किसी को. Oh my God, weather is super windy. Okay, चलो चलो. 3A आ जाओ.